तेजी से फैलती कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इससे निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को तैयार करने का निर्देश दिया। किशोरों के साथ साथ सोमवार को शुरू हो रहे फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सतर्कता डोज लगाने के अभियान को मिशन मोड पर पूरा करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों में हालात की समीक्षा के लिए जल्द ही मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ साथ गृह, स्वास्थ्य, फार्मा व अन्य मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दुनिया भर के अनुभवों के बारे में जाना। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश विदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना के बढ़ते मामलों की जानकारी दी। उन्होंने इस वेरिएंट की संक्रामकता और गंभीरता को लेकर दुनिया भर के अनुभवों को भी साझा किया। भूषण ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना पैकेज 2 के तहत राज्यों में स्वास्थ्य ढांचे मजबूत किया गया है। इसमें टेस्टिंग की क्षमता, ऑक्सीजन और ICU बिस्तरों की उपलब्धता और जरूरी दवाइयों का स्टॉक शामिल है। उन्होंने इसके बारे में राज्यवार विस्तृत ब्यौरा भी पेश किया। इस पर प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार करने और इसमें राज्यों की मदद करने का निर्देश दिया।